बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को, आरसीडी फार्म में वेलकम है जी। ये आपको मैं आज लहसुन की फसल का थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ कि मौसम बहुत प्यारा था सुबह सुबह और बारिश भी हुई थी। मैंने कहा चलें मौके का फ़ायदा उठाएं, आपको थोड़ी सी ग्रीनरी दिखा देता है कि आपकी भी तबीयत थोड़ी सी ना फ्रेश हो जाए। जो मेरे भाई उदास हैं वो थोड़ा सा ग्रीन को देखें, उनकी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। लहसुन की फसल जो है ये हमने अक्टूबर में कोश्त की थी, अब जनवरी चल रहा है और ये वैसे तो 3-4 साल निकल जाती है अगर अच्छे यानी कि इसके लेने हों रिजल्ट्स वगैरह तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 1 साल ही चलाते हैं क्योंकि हमने फ्रेश डालना होता है काउस को। तो इसकी हे बनती है अल्फा हे, वो ड्राई मैटर में आता है, उसकी प्रोटीन लेवल 18 होती है और जो ग्रीन है उसकी प्रोटीन लेवल जो है वो 22 होती है। और ये उसके मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कारामद है। बेसिकली तो हॉर्सेस में के को की ये फसल है, हॉर्सेस के लिए ये काश्त होती है ऊपर पंजाब में और ये इसकी खड़ी फसल है और ये फुल इस टाइम अपने अरूज पे है। इसमें प्रोटीन ग्रास भी हमने थोड़ा सा ऐड किया था इस दफ़ा। प्रोटीन ग्रास जो है वो एक नई फसल हमने तजर्बा किया था, माशाल्लाह से उसका भी अच्छा रिज़ल्ट आया और जानवरों ने उसको पसंद किया, शौक़ से खाया। अभी मैं आपको इंटेक दिखाता हूँ, अब ये देखें जानवरों का ये इंटेक चेक करें माशाल्लाह से। और ये होलिस्टन फ्रीजन काउज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब इनकी जो प्रोडक्शन है ना वो 13+ है। और इस टाइम ये जो है अपना मिल्किंग के बाद हमने इसको ये सबस चारा यानी कि लहसुन की फार्म में डाला है, इसमें प्रोटीन ग्रास और लहसुन हमने मिक्स किया हुआ है। बाकी दो टाइम बाकी मोस्टली इनका जो है वो साइलेज ही चलता है, साइलेज जो मक्की का साइलेज है वो ही हम इसको इनको देते हैं वो ड्राई मैट के तौर पर। और वंडा वगैरह वो तो फिर सारे लवाजमात चलते रहते हैं, और सब्ज़े में हम इनको लहसुन देते हैं और प्रोटीन ग्रास। ये इसमें प्रोटीन ग्रास ये आपको नज़र आ रहा होगा जो वो समझते हैं इसको, ये जो घास की तरह के होते हैं वो प्रोटीन ग्रास। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह थैंक यू सबका, आगे भी आपको वीडियोस मिलेंगी।